स्टूडेंट्स सो क्वेश्चन नंबर 65 ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2009 पीआई ब्रांच के अंदर इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो विद बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकंड इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू वन इज तो पूछा है कि इन दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या होगा तो वैसे तो है बहुत सिंपल क्वेश्चन बट बच्चे को कभी कभी इस क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो देखिए डी टू वाई अपन डी एक् एक्सक्वार इक्ल टू जीरो तो देखिए सबसे पहले चीज इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के इसको मैं लिख सकता हूँ डी टू वाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे कैपिटल डी है इसको हमने मान लिया डी बाई डी एक्स जो कि एक डिफ्रेंशिएटिंग ऑपरेटर है तो देखिए यहां पे इक्वल टू के बाद जीरो दिया है तो पी आई की वैल्यू जीरो आएगी और यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी देखिए क्वेश्चन देखिए एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्ल टू जीरो के फॉर्म में तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो दैट इज़ डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो डी की जो वैल्यू आएगी दो आएगी वो दोनों वैल्यू आएगी जीरो कमा जीरो तो so देखिए इसमें रूट्स हमारे रियल और रिपीटिंग रूट्स आ रहे हैं तो so जो हमारा सी एफ है वो जाएगा सी वन प्लस सी टू इंटू ए टू की पावर एम एक्स यहाँ पे एम का मतलब है जो जो हमारा रूट आया तो रूट कितना आया हमारा जीरो तो so ए की पावर जीरो एक्स मतलब वन ही बचेगा है ना तो so ये हमारा हो गया सी एफ और पी आई हमारा जीरो है तो सी एफ प्लस पी आई निकालेंगे जब वाई तो वाई की वैल्यू यही आएगी तो सी वन प्लस सॉरी थोड़ा मिस्टेक योग सी वन प्ल सी टू एक्स आएगा है ना यहाँ पे एक्स थोड़ा लिखना भूल गए थे हम नाउ अब हमें कंडीशन अप्लाई करते हैं देखिए दोनों कंडीशन वाई डैश के लिए देखे थे पहले एक बार करते हैं हम वाई डे निकाल लेते हैं ना तो डीवाई बाई डी बोलो या वाई डे बोलो वो आएगा हमारा सी टू तो देखिए यहाँ पर देखा X equal to 0 पे देख की है एक्स इक्वल टू जीरो पे डिवाई डेस की वैल्यू वन है यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पर वाई डैश की वैल्यू वन है तो कुमला तो के यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं तो चाहे जीरो पुट करो या वन पुट करो कुमला के बाद ये है कि वाई डैश की वैल्यू वन है तो अगर हम वाई डैश के वन पुट करें तो सी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी वन तो ऐसे क्या समझ में आया कि सी टू की वैल्यू होगी हमारी वन तो जब हमारा वाई है वो हो जाएगा सी वन प्लस एक्स तो देखिए सी वन प्लस एक्स बोलिए या एक्स प्लस सी बोलिए तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है देखिए इसको सीखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अब एक काम करता हूँ मैं डी एक्स को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा डी बाई सॉरी डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इंटू डी एक्स अब दोनों दो तरफ कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स उसका इंटीग्रेशन आएगा सिंपल जीरो प्लस हम कॉन्स्टेंट सी वन ना अब एक काम करते हैं इस डी एक्स को भी मैं उस साइड ले जाता हूँ तो ये क्वेश्चन हो जाएगी डी वाई इक्वल टू सी वन डी डब हम कर लेते हैं दोनों दो तरफ इंटीग्रेशन तो जो हमारा वाई है वो आ जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू तो देखिए नोटिस करिए अगेन ये उस टाइप से हमारा आंसर आया है तो यहाँ पे अगर मैं वाई डैश निकालूंगा तो वाई डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पे सी वन तो अगेन जब y डश की कंडीशन लगाओगे तो c1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 तो c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी तो y हो जाएगा हमारा फाइनली x plus c2 या सिंपली बोल सकते हैं x plus c तो क्रम लगे कैसे भी करो आप ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर आएगा थैंक यू इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर youtube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू